अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाई जा रही मुहिम के तहत धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मनावर पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर निगरानी सुधा बदमाश पवन सिंह पिता गुलजार सिंह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पवन सिंह के कब्जे से घातक 13 देसी 12 बोर के कट्टे, 3 देसी पिस्टल, 2 देसी 12 बोर के जिंदा कारतूस, 2 पिस्टल के जिंदा कारतूस जिनकी कुल कीमत 1,80,000 रुपये बताई जा रही है, जो कि जब्त कर ली है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर मनावर थाना अंतर्गत चौकी प्रभारी सिंघाना अभिषेक जाधव द्वारा रनतलाब फाटक के पास अवैध हथियारों के साथ पवन सिंह के कहीं जाने के लिए खड़ा होने की सूचना मिली थी, जिस पर दबिश देकर आरोपी को पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए हुए लिए के मुताबिक पकड़ा। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश भी की, पर घेराबंदी कर आरोपी पवन सिंह पिता गुलजार से जाति सीकलीगर उम्र 50 साल को निवासी सिंघाना को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसके पास से 13 देसी 12 बोर के कट्टे, 3 देसी पिस्टल व 2 नग 12 बोर के जिंदा कारतूस व 2 पिस्टल के जिंदा कारतूस जिनकी कीमत 1,80,000 है जब्त किए हैं। आरोपी पवन सिंह के विरुद्ध थाना मनावर व कुक्षी में विभिन्न धाराओं के तहत आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पवन सिंह आदतन अपराधी है, वह थाना मनावर में निगरानी बदमाश है और जिसके विरुद्ध पूर्व में भी अवैध हथियारों के साथ ही 5 अन्य अपराध, कुक्षी में 2 अपराध व स्पेशल सेल दिल्ली में 1 अपराध, कुल 8 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा आरोपी मंदसौर जिले के थाना वाईडी नगर के 2 अपराधों में फरार चल रहा था, जिसकी सूचना भी पुलिस थाने को दे दी गई थी। आरोपी पवन सिंह द्वारा हथियार बेचे जाने संबंधी सख्ती से पूछताछ की जा रही है।